स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर टुडे. तो वी नो दैट द मैटर अराउंड अस इन थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट दे अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर. तो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर. दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. यहाँ पे मैंने ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ है वो एज अ डिफरेंस मैंने यहाँ पे रखी है. अभी हम उसके थोड़ी डिटेल की बात करें तो एक्टिविटी 1.9, अगर 1.9 एक्टिविटी हियर द डिस्कशन अबाउट सॉलिड. तो यहाँ पे जो भी सॉलिड मैटर दिया गया है हम उसे ये एक्टिविटी से हमको पता चल सकता है कि दे आर सॉलिड एंड हैव अ डेफिनेट शेप. व्हेन दे आर हैमर्ड दे मे ब्रेक इनटू पीसेस बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड. तो रिजिडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. इन एक्टिविटी 1.10 दिस इज डिस्कशन अबाउट लिक्विड्स विच इंडिकेट्स दैट लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप बट हैव अ वॉल्यूम. और लिक्विड की एक कैरेक्टरिस्टिक है वो जो भी कंटेनर में उसको भरा जाता है, रखा जाता है, वो कंटेनर का शेप वो ले लेता है. लिक्विड है वो कंटेनर के शेप में आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? तो उसकी अरेंजमेंट सॉलिड में जो मोलेक्युलर अरेंजमेंट है वो एकदम पास पास है. मतलब इंटर मोलेक्युलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट इन लिक्विड पार्टिकल्स आर लिटल बिट फार अवे सो दे हैव अ वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स. तो दिस इज द अरेंजमेंट ड्यू टू दिस लिक्विड आर फ्लूइड दे फ्लो दे कैन फ्लो. नाउ एक्टिविटी 1.11 तो हियर इट इज अबाउट गैसियस फॉर्म. तो यहाँ पे उसका जो डायग्राम है वो भी है. तो ये गैसियस फॉर्म में यहाँ पे एक सिरिंज दी गई है. सिरिंज का जो नोजल है उसको बंद करके अगर हम उसको प्रेस करेंगे ऊपर के पिस्टन को तो थोड़ा बहुत प्रेस होगा, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड भरा जाएगा तो लिक्विड में तो प्रेस नहीं होगा लेकिन सॉलिड में गैसियस में वेरी सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेस होगा. तो फ्रॉम द एक्टिविटी 1.1 वी इट इंडिकेट दैट गैसेस आर मोस्ट कॉम्प्रेसिबल ड्यू टू हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली. जो हम सीएनजी और एलपीजी हमारा एक्सपीरियंस है उसमें. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एज वेल एज द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. एज फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेटेड बलून. जब बलून के अंदर अगर हम एयर ब्लो करते हैं हमारे मुंह से या पंप से तो बलून है वो इन्फ्लेट होने लगता है. वो इन्फ्लेट क्यों होता है? क्योंकि बलून के अंदर जो एयर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट करते ही है लेकिन वो बलून की वॉल को भी प्रेशर देते हैं. बलून की वॉल पे भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं इसीलिए वो बलून फूलता है. हमारे घर में जब कुकिंग होता है तो हम प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं. तो प्रेशर कुकर में भी ऐसा ही है. प्रेशर कुकर की वॉल पे जब स्टीम बढ़ जाती है तो वॉल पे प्रेशर होता है
और वॉल तो रिजिड होती है लेकिन विसल है वो थोड़ी उठ जाती है और अंदर से बहुत प्रेशर से वेपर है वो बाहर निकलती है, हमको सिटी जैसी आवाज़ आती है। तो ये भी एक गैसियस स्टेट है, वो कंप्रेसिबल है, ये इंडिकेट करता है। नाउ यहाँ पे कुछ होमवर्क मैंने दिया है, तो द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रिसीज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव गो टू क्लोज। तो अगर हॉट सिजलिंग फूड है वो कई मीटर से हमको पता चल जाता है स्मेल से कि क्या पक रहा है, लेकिन अगर वो फूड ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमको उसके नज़दीक जाना पड़ता है। अभी हमने ये तीन स्टेट्स की बात की है, तो ये तीनों स्टेट है वो हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप जो हमने देख लिया, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सो इट हैव अ नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स आइदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट। सॉलिड सॉलिड ज़्यादातर डिफ्यूज नहीं होते, और होते तो भी नेग्लिजिबल होता है। होता है कभी कभी हम डिस्प्रिन, डिस्प्रिन जो टैबलेट आती है जो सर दर्द के ऐसा होता है तो डिस्प्रिन विस्प्रिन ली जाती है, तो डिस्प्रिन है वो पानी में डालते ही वो घुलना शुरू हो जाता है, वो बहुत कम डिफ्यूज़ होती है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। जनरली सॉलिड्स हैव अ हायर डेंसिटी एज कम्पेयर टू देयर लिक्विड और अ गैसियस फॉर्म। तो सॉलिड की जो मोलिकुलर अरेंजमेंट है वो एकदम परफेक्ट है। सो सॉलिड है वो रिजिड तो है ही, साथ साथ उसकी डेंसिटी भी हाई होती है, ज़्यादातर वो पानी के अंदर डूब जाता है। और सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अभी हमने देखा कि व्हेन इट हैमरिंग द शेप मे चेंज, और ज़्यादा फोर्स से शायद वो पीसेस में कन्वर्ट भी हो जाता है। नाउ लिक्विड, लिक्विड इज लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप इफ दे टेक अप द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी में देखा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन सो दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड। तो लिक्विड में सॉलिड और गैसियस फॉर्म भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, दिस गैसेज एस्पेशियली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल। हम जानते हैं कि एक्वाटिक एनिमल है उसको ऑक्सीजन के लिए सिर्फ वाटर के अंदर डिजोल्व जो ऑक्सीजन होता है उसी को लेना पड़ता है। तो अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व नहीं होते तो एक्वाटिक लाइफ भी नहीं होती। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो वेरी नेग्लिजिबल होती है। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन द गैसेस बट लेस देन सॉलिड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड में जो डिफ्यूजन रेट है वो थोड़ा हायर है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कोई जगह बहुत कम होती है, लेकिन लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा जगह होने के कारण वो एक दूसरे में जल्दी से डिफ्यूज हो सकते हैं।
Density of a liquid is generally less than that of a solid form. Some exceptions are also there. As for example, solid ice is higher than water as it floats on water. हमने वो तो एक्सपीरियंस किया ही होगा घर पे कि आइस है वो पानी के ऊपर तैरता है, बरो पानी की सरफेस पे वो तैरता रहता है, लेकिन अगर वैक्स है उसको मेल्ट करके एक वैक्स क्यूब अगर वैक्स में डालते हो तो वैक्स का क्यूब है वो लिक्विड वैक्स में सब नीचे चला जाता है, वो डूब जाता है. द डेंसिटी ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आइस इज लेस टू कंपेयर दैट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द वाटर. नाउ गैसियस स्टेट. गैसियस ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो एज अ लिक्विड, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड. गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट. हमने अभी सिजलर की बात की, तो सिजलर की जो हॉट सिजलर है उसकी जो स्मेल है वो कई मीटर दूर तक आती है. गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. तो एल पी जी और हमने सी एन जी की बात की, तो वो हाई कॉम्प्रेसिबल गैसेज है, वो हाई कॉम्प्रेसिबल होते हैं. इन अ गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. अभी वो भी हमने डिस्कस कर लिया. ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड्स. तो लिक्विड के अंदर सॉलिड लिक्विड और गैसियस मैटर्स वो डिफ्यूज हो सकते हैं. The density of gases is minimum. A gas is much lighter than same volume of solid or liquid. तो ये भी हम घर पे उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ होमवर्क मैंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर है, वो अपनी नोटबुक में उसको लिखना है. नाउ एक्टिविटी 1.12. अच्छा, यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन भी है जो मैंने होमवर्क